5 साल पहले रुद्र तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार कौन? 5 साल बाद भी मृतक रुद्र के परिजन इंसाफ के लिए दर दर के खा रहे धक्के। जी हां, आपको बता दें, इसी कड़ी में बीते दिन रुद्र के परिजनों में रोहतक के कई लोगों ने शांतमयी चौक से छोटराम चौक तक कैंडल मार्च निकाल रुद्र को श्रद्धांजलि देते हुए सांगी नर्सिंग होम व निगम कमिश्नर देवेंद्र खड़गटा पर गंभीर आरोप लगाए। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में रुद्र के परिजनों का क्या कहना है। नाम चिराग मलिया और मैं पिछले 5 सालों से अपने बच्चे के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस नगर बिल्डिंग को अवैध सांगी नर्सिंग होम को नगर निगम खुद अवैध घोषित कर चुका है, जो ये खुद कहता है कि ये बिल्डिंग जो है वो अग्नि सुरक्षा यातायात और जनहित के लिए खतरनाक है। उस बिल्डिंग पर नगर निगम खुद कार्रवाई नहीं करता, जिसकी लिस्ट में वो खुद अपना डालता है सांगी नर्सिंग होम को। तो 2016 से इसने नोटिस निकाल रखा है, 2018 से हमने 100 कंप्लेंट दे दी, तो 7 साल के बावजूद भी इसका कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और अगर नगर निगम इसको कोई कार्रवाई नहीं करता और इस बीच अगर कोई बिल्डिंग में हादसा हो जाता है तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर देवेंद्र खड़गटा की रहेगी, चाहे वो फिर वो प्रमोट हो जाए, चाहे उसकी बदली हो जाए, चाहे वो रिटायरमेंट हो जाए। अगर किसी भी प्रकार का जान मान का हादसा कोई होता है तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर निगम कमिश्नर देवेंद्र खड़गटा की ही रहेगी।